Good morning kids and welcome again. Today we are back with our online class and we will start our next lesson, your section B of unit 1, the Weird Bell's Wedding Invitation. And you all might have heard the stories of Tenali Rama. Tenali Rama ki kahaniyan aap sabhi ne padhi hongi. In fact, television pe bhi dekha hi hoga, TV mein aapne. And there is one story, ye phir se ek aur kahani aaj aapko sunne ki milegi. And in this you will learn ki kaise Tenali Rama ne apne wit aur intelligence se, apni buddhi aur apni samajhdari se Vijayanagar ke raja Krishnadev Rayalu ki problems ko solve kiya. Okay, so let's begin this story. Here are the characters ki ye raja hai Krishnadev Rayalu and he is the ruler of Vijayanagar. Ki Vijayanagar ke ruler hai, wahan ke raja hai and the capital of Vijayanagar is Hampi. And he ruled between, इन्होंने कब शासन किया था? 1509 से 1529 तक. इन दोनों साल के इंटरवल इन्होंने रूल किया था. ओके, देन सेकंड कैरेक्टर इज दिल्ली सुल्तान मोहम्मद सुल्तान और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद सुल्तान. एंड द थर्ड कैरेक्टर इज रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट इज दरबारी जो लेटर पढ़ता है. भुवन विजयम एंड देन चीफ मिनिस्टर मंत्री थिमारुसु एंड देन पोएट रामलिंगा. रामलिंगा इज तेनाली रामा ओनली एंड ही इज अ ब्राह्मण बॉय. तेनाली रामा बिलोंग्स टू अ तेनाली स्मॉल विलेज. तेनाली विलेज का नाम है. ओके, एंड ही बिलोंग्स टू देयर. द विलेज इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. कहां पे है वो विलेज? आंध्र प्रदेश में. एंड ड्यू टू हिज विट एंड इंटेलिजेंस, तेनाली रामा के समझदारी बल और बुद्धि की वजह से वो क्या बनना चाहता था? वो विजयनगर के कोर्ट में, मतलब कृष्णदेव रायालु के अंडर उस कोर्ट में वो कोर्ट जेस्टर बनना चाहता था. कोर्ट जेस्टर मीन्स अ क्लोन. ये सिंपली क्लोन की तरह होता है जो कोर्ट में राजा को एंटरटेन करता है. जैसे जोकर कैसे एंटरटेन करता है थ्रू फन्स एंड जोक्स, सेम इन दैट केस ओनली. ओके ओके, सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. व्हाट वन डे व्हाट हैपेंड? द दिल्ली सुल्तान मोहम्मद सुल्तान वांट्स टू ट्रबल द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव रायालु. एक दिन क्या होता है, जो दिल्ली के राजा होते हैं मोहम्मद सुल्तान, वो विजयनगर के राजा को परेशान करना चाहते हैं. परेशान इन द सेंस ही वांट्स टू मेक अ वॉर अगेंस्ट हिम. वो सिर्फ उसके साथ लड़ाई करना चाहते हैं. ओके, सो इन दैट केस व्हाट ही डू, ही सेंड अ वियर्ड इनविटेशन टू हिम. वो क्या करते हैं, अपने एक सैनिक के साथ उनके दरबार में एक अजीब सा इनविटेशन भेजते हैं. एंड व्हाट द इनविटेशन इज, उस इनविटेशन में क्या लिखा हुआ होता है कि डियर सुल्तान ऑफ विजयनगर, डियर किंग ऑफ विजयनगर. एंड इन दैट इनविटेशन इट वॉज रिटन के डियर किंग, आई एम सेंडिंग द इनविटेशन ऑफ माय न्यूली मेड वेल. मतलब जो नया वेल हमने अपने एम्पायर में बिल्ड किया है उसकी शादी का इनविटेशन मैं आपको भेज रहा हूँ. एंड व्हाट यू हैव टू डू कि आपके एम्पायर में जितने भी वेल्स हैं उन सबको वो वेडिंग अटेंड करने आना होगा. देन द रायालु गेट वरिड कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. जो कृष्णदेव रायालु है द किंग गेट वरिड कि कुएं कैसे किसी की शादी में जा सकते हैं. दे आर अनमूवेबल. क्या वेल मूव कर सकती है? उसके पैर होते हैं क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज हार्डली पॉसिबल टू मूव. तो दैट मीन दैट कंडीशन को वरिड हो जाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट लेटर, उस इनविटेशन लेटर के साथ साथ एक वार्निंग लेटर भी होता है. एंड इन दैट लेटर, वार्निंग लेटर में क्या लिखा होता है कि इन केस इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल आवर डिमांड, के अगर आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए तो इन दैट केस यू हैव टू फेस आवर वॉर एंड फरी. सो वो बोलते हैं कि उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको हमारा एंगर फेस करना पड़ेगा, हमारा जो गुस्सा है वो फेस करना पड़ेगा और आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा. तो देन ऑल्सो जो कृष्णदेव रायालु होते हैं वो बहुत वरिड हो जाते हैं. देन व्हाट ही डू, ही कॉल्स चीफ मिनिस्टर थिमारुसु. ओके, जो इनविटेशन था वो रॉयल कोर्ट भुवन विजयम पढ़ रहे थे. ओके, नाउ व्हाट ही डू कि भुवन विजयम से जो इनविटेशन होता है वो हैंडल कराते हैं चीफ मिनिस्टर थिमारुसु को और उसको बोलते हैं कि यू आर हैविंग टू डेज ऑफ टाइम. आपके पास दो दिन का टाइम है. ओके, गेट मी अ सॉल्यूशन ऑफ इट. तो मानुसु को बोलते हैं राजा कि आपके पास दो दिन का टाइम है, दो दिन
अंडर वेव को इसका सोल्यूशन चाहिए। दैट्स इट। हमारे सो दो दिन सोचते आएंगे थिंग्स, बहुत सोचते हैं कि कैसे वेल को उनके यहाँ कैसे भेजा जाए, व्हाट इज द सोल्यूशन। देन आल्सो ही डिड गेट एनी सोल्यूशन, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। देन ही अगेन टर्न टू किंग, वो वापस किंग के पास जाते हैं कि आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन एंड हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, कि यहाँ की वेल्स को दिल्ली भेजना कैसे पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर किंग वरिड हो जाते हैं। देन हिमांशु बोलते हैं कि आई एम हैविंग वन कंडीशन, जो हिमांशु जो चीफ मिनिस्टर है, मंत्री है, वो बोलते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। देन किंग बोलते हैं कि बताइए क्या सोल्यूशन है। देन ही सेज कि मैं एक ब्राह्मण बॉय को जानता हूँ, द ब्राह्मण बॉय इज रामलिंगम तेनाली रामा, कि ही इज नोन फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस, और वो अपने विट, अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी के कारण जाने जाते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर ही देंगे। ओके, सो व्हाट वी डू चीफ मिनिस्टर, राजा बोलते हैं कि ओके फाइन। फिर चीफ मिनिस्टर जाते हैं तेनाली रामा के पास, ओके रामालिंगम के पास जाते हैं, उनको सारा वो इन्विटेशन लेटर और वार्निंग लेटर दोनों दिखा देते हैं। Then in that case, रामालिंगम चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं काम डाउन, नथिंग टू वरी अबाउट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द थिंग इज दैट इज वार्निंग लेटर और जो इन्विटेशन लेटर है इसमें कोई बात ही नहीं है, बिकॉज जो दिल्ली सुल्तान है वो सिर्फ राजा को ट्रबल करना चाहता है। ही जस्ट वॉन्ट टू ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट हियर मीन्स कि वो सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, उनको और कोई कंडीशन नहीं है। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, वो बोलते हैं कि आई विल सेंड यू द रिप्लाई टुमारो, बोलते हैं कि मैं आपको जो इसका रिप्लाई है लेटर का वो आपको टुमारो कल भेज दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट डे तेनाली रामा रिप्लाई के साथ कोर्ट में पहुंच जाते हैं, राजा के दरबार के बीच हो जाते हैं। एंड देन राजा गेट वाले को बोलते हैं कि तेनाली रामा जल्दी से आप बताइए कि इसका क्या जवाब भेजा जाए। देन तेनाली रामा स्टार्टेड रीडिंग द लेटर, वो फटाफट से लेटर रीड करना चाहते हैं। एंड जैसे ही लेटर कंप्लीट होता है तो जो पूरी सभा होती है, जो सारे लोग बैठे होते हैं कोर्ट में, वो सब जोरों से क्लैप करते हैं। नाउ व्हाट इज द लेटर, उस लेटर में ऐसा क्या लिखा होता है कि सब लोग इतना हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं कि यस दिस इज द ओनली गुड रिप्लाई। सो उस लेटर में लिखा होता है कि डियर सुल्तान, डियर मोहम्मद सुल्तान ऑफ दिल्ली, ओके सो आपने जो हमें इन्विटेशन भेजा है वेल्स की वेडिंग का, उसको जान के हमें बहुत खुशी हुई है, बट द थिंग इज दैट कि जब हमारे विजयनगर के वेल्स की शादी थी तो आपकी वेल्स ने वो शादी अटेंड नहीं की थी, तो उस कारण जो हमारी वेल्स है विजयनगर की वो बहुत ज्यादा अपसेट है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपके नगर की, अगर आपके एम्पायर की वेल्स यहाँ पे आके अगर इनको इन्वाइट खुद करें, मतलब इफ दे कम बाय देयर ओन टू इन्वाइट द वेल्स, देन दे आर एबल टू कम, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपका जो वेडिंग इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट कर लेंगी। एंड इन दैट कंडीशन वेल्स के साथ हम खुद आपके जो वेल्स की शादी, आपके जो कुएं की शादी है उसको अटेंड करने हम खुद आएंगे। तो जो दिल्ली के सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं वो वरिड हो जाते हैं। ओके, जब मोहम्मद ये सारा इन्विटेशन सुनता है, किंग दरबारी के हाथों वहां पे इन्विटेशन भेजा देते हैं। ओके, एंड जब मोहम्मद सुल्तान ये इन्विटेशन सुनते हैं तो ही गेट वरिड कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे मेरे शहर की, मेरे जो यहाँ नगर की वेल्स है उनको कैसे भेज सकता हूँ। दे आर अनेबल टू वॉक, बट बाय ऑन दी अदर हैंड ही वो सराहना करते हैं किंग कृष्ण देव रायानी के इंटेलिजेंस का, कि उन्होंने कैसा अच्छा सा जवाब भेजा है वापस मेरे लेटर के जवाब में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस स्टोरी। यू हैव लर्न कि इंटेलिजेंस और विट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यू आर हैविंग अ स्मार्ट माइंड देन यू कैन डील विद एनी एंड ईच प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल।